तो घर पे आने वाले हैं कुछ गेस्ट और उन्होंने आने से पहले ही मुझे स्पेशली फ़ोन करके कह दिया था कि भाई जब हम आएंगे तो हमारे लिए एकदम अनोखी सी और एकदम अच्छी सी रेसिपी होनी चाहिए, ऐसी नॉर्मल दाल चावल रोटी सब्जी तो बिल्कुल नहीं। तो मैंने भी उनसे कहा हाँ हाँ बिल्कुल, जब तुम आओगे तो पक्का मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल सा ही बना के रखूँगी, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल, और तुम बता भी नहीं पाओगे कि वो बाहर से मंगाया है या फिर मैंने अपने घर पर बनाया है। तो अब इस शर्त के लगे मैं तो काफ़ी देर तक सोच विचार कर ही रही थी कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। अब क्या हुआ ना, आजकल तो इतनी बरसात हो रही है कि बाहर जाना आना मुश्किल हो चुका है, तो जितनी भी लिमिटेड सामान था घर पर तो मैंने उसी से ही बना लिया। तो हमारे घर पर नॉर्मली शिमला मिर्च प्याज और साथ के ना यहाँ पनीर भी था, तो मैंने ना इनको इस तरीके से क्यूब शेप में कट कर लिया और यहाँ पर इस तरीके से ना पहले ऑयल में हल्का सा शैलो फ्राई कर लिया ताकि एकदम ना अच्छा सा और बढ़िया सा टेस्ट इन्हेंस हो जाए। जब आप इस तरीके से सब्जी को अच्छे से पहले भून लेते हैं ना तेल में, तो इसका फ्लेवर सब्जी में और ज़्यादा बढ़ जाता है। बस अब सेम बचे हुए तेल में मैंने क्या करा ना, बारीक कटे हुए प्याज ले लिए। अब इस तरीके से इस प्याज को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और भून लेंगे। जब प्याज अच्छा सा सुनहरा ब्राउन हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है ना, टमाटर लेने हैं बारीक कटे हुए, जो कि आजकल तो बेशकीमती बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं। हमारे यहाँ तो 100 रुपये किलो रेट है, आपके यहाँ पर क्या है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस टमाटर मैंने डाल दिया, उसके बाद बेसिक मसाले जैसे कि नमक मिर्ची हल्दी धनिया पाउडर डाल देंगे और बिल्कुल बेसिक सी चीज़ों से ही एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल वाली रेसिपी बनकर रेडी हो जाएगी। अब टमाटर को अच्छे से गलने तक ना अच्छे से भूनेंगे और इसको ढक करके साइड कर देंगे ताकि जो ये मसाला है हमारा अच्छे से भुन जाए और टमाटर अच्छे से गल जाए। अब जब ये देखिए हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं और तेल निकलने लग गया है मसालों में से, इसका मतलब मसाला अच्छा खासा पक चुका है, अब इससे ज़्यादा इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसका फ्लेवर और इन्हेंस करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर कसूरी मेथी डाल दी है। इससे जो है ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, किसी भी पनीर की रेसिपी में आप कसूरी मेथी ऐड ज़रूर से कीजिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है सब्जी में। अब इसे अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है स्पैचुला से ताकि कि ये मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए और सब में अच्छी सी खुशबू आ जाए मेथी की। अब ये जो हमने सब्जी ली थी ना फ्राई करके, इसको हम डाल देंगे और अच्छा सा मिक्स कर लेंगे टमाटर प्याज के पेस्ट में ताकि कि ये मसाले अच्छी तरीके से कोट हो जाएँ। 2 से 3 मिनट सब्जियों को इसी तरीके से आपको नॉनस्टॉप भूनते जाना है, फ्लेम एकदम मीडियम रखना है और उसके बाद डाल देंगे इसमें मेन इंग्रेडिएंट जो कि है क्रीम। तो मैंने यहाँ पर फ्रेश क्रीम लिया है, अगर आपके पास क्रीम ना हो तो नॉर्मली जो डेली में हमारे दूध में जो मलाई लगती है ना उसको आप हल्का सा चम्मच से फेंट लीजिए और उसके बाद इस तरीके से डाल सकते हैं, इससे भी सब्जी का टेस्ट काफ़ी बढ़िया आएगा। तो बस अब हम इसे 2 मिनट के लिए इस तरीके से चलाएंगे खुले में ही। इस तरीके से भुनने से क्या होता है ना, सब्जी में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है। बस ढक देंगे, एकदम लो फ्लेम पर ढकना है आपको, और 2 मिनट ढकने के बाद आप देख सकते हैं सब्जी में कितना अच्छा टेक्सचर आ चुका है और एकदम बढ़िया सा रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर घर पर रेडी हो गया है। मतलब इतनी आसान जो रेसिपी है ना मैंने ही आपके साथ शेयर कर दी है, आप चाहे तो इसे एक बार ज़रूर से बनाकर देखना, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगता है, खाने वाला तो आपकी तारीफ करता रह जाएगा।